गुड आफ्टरनून ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम लोग अपना बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आज उस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। आज कुछ नई चीजें देखेंगे उसके अंदर, जो शायद आपके टीचरों ने आपको पढ़ा तो रखा होगा, लेकिन हम उसको और थोड़े बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा फोकस होगा अपने टॉपिक में, एक तो होगा बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनको कैसे हम लोग एज ए फर्टिलाइजर की तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसके अंदर ये भी देखेंगे जो माइक्रोब्स होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनको कैसे हम लोग एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे नाम मैंने आपको बोला बायो कंट्रोल एजेंट, अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? देखिए, किसी भी एक फार्मर के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसको हानि पहुंचाने की फसल को, वो दो चीजें होती हैं। एक होती है उसके अंदर खरपतवार जो आपकी जंगली घास वगैरह से होती है, और दूसरा होता है उसके ऊपर जो भी हमारे इंसेक्ट वगैरह हैं, जो प्रेडेटर्स हो जाते हैं, जो हमारी फसल को खराब करते हैं वो। अब उन दो चीजों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं किसी एक बायोलॉजिकल कारक का उपयोग करके, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो भी हमारी ये वीड्स होती हैं उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से हम जो हमारे पास इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं सूक्ष्म जीव का उपयोग करके। तो कोई भी एक एजेंट बायो कंट्रोल एजेंट तब कहलाता है जब हम बताते हैं कि कोई एजेंट अगर किसी भी चीज को कंट्रोल करता है और उसका ओरिजिन और नेचर बायोलॉजिकल है, तो हम उसको कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जाके समझते हैं हम लोग आज का टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना, जिसके अंदर पहले तो हम लोग समझेंगे बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, कि बायोगैस प्रोडक्शन के बारे में, कि बायोगैस का प्रोडक्शन किस तरह से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, और बायोगैस के बारे में भी समझेंगे कि जो बायोगैस होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर बायोगैस के बारे में कि जो बायोगैस है वो है क्या। तो बायोगैस मतलब जैविक गैस। अब जो जैविक गैस है इसके बारे में बात करें तो बायोगैस वो उस प्रकार की गैस है जो कि हमारे सूक्ष्म जीव के द्वारा या फिर किसी जीव के द्वारा उत्पादित होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैविक गैस, जैविक गैस। अब जैविक गैस क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये जैविक तरीके से बनी हुई है, ठीक है, किसी जीव के द्वारा बनी हुई है। तो हम क्या बताते हैं, यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होने वाली गैस होती है, उत्पादित होने वाली गैस होती है, गैस होती है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये उत्पादित होती है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि जो बायोगैस है इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारी पाई जाती हैं, कौन कौन सी इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, गैसेस मेनली देखने को मिलती हैं। तो जो बायोगैस होती है उसके अंदर कुछ गैसेस हैं जो कि विशेष रूप से पाई जाती हैं, हम उनके बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो बायोगैस विभिन्न प्रकार की गैसेस का एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है जिसमें मुख्य रूप से अब देखिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, उपस्थित रहती है। तो इसका जो मुख्य अवयव है वह है मीथेन, उपस्थित रहती है, तथा इसका निर्माण, जो हमारे पास बायोगैस है इसका निर्माण कैसे होता है, जो हमारे पास बायोमास होता है, मतलब जो भी जैविक अपशिष्ट पदार्थ कह लीजिए, जो भी ये जैव से बनने वाले हमारे पास पदार्थ होते हैं उनके पाचन से हम इसको बनाते हैं। तो इसका निर्माण बायोमास को सूक्ष्म जीवों द्वारा पचाकर होता है,
पचाकर होता है। तो इसका जो निर्माण होता है इसको हम सूक्ष्म जीवों द्वारा करते हैं। तो सूक्ष्म जीव इसको क्या करेंगे, पचा देंगे और बायोमास को, और वहां से हमारी बायोगैस मिल जाएगी। अब बेसिकली ये जो हमारे पास में सूक्ष्म जीव हैं वो कौन सा मुख्य रूप से होगा, देखिए इसके अंदर हम बता रहे हैं मुख्य अवयव है मिथेन। अब क्योंकि मुख्य अवयव यहाँ पे मिथेन हो जाता है, तो जो हमारा डाइजेशन करते हैं, ठीक है, जो पाचन कर रहे हैं, ये वाले जो एंजाइम, मतलब ये वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे ये मुख्य रूप से मिथेन को बनाने वाले होंगे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको मिथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए, इसके उत्पादन के लिए मिथेनोजेंस, अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस होते हैं डियर बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, तो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे मिथेनोजेंस का। ठीक है, तो मिथेनोजेंस इसको बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो हमारे पास में बायोगैस होती है इसमें जैसे मैंने आपको बताया मिथेनोजेंस का उपयोग किया जाता है, और ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ना ये एनारोबिकली मतलब अवायवीय तरीके से पाचन करते हैं। तो मिथेनोजेंस एनारोबिकली मतलब अवायवीय, एनारोबिकली बायोमास का पाचन करते हैं, और मीथेन को बनाते हैं, बायोगैस में, मीथेन के साथ साथ, अब देखिए मीथेन के साथ साथ इसमें क्या मिलेगा, ठीक है, CO2, CO तथा H2 गैस भी उपस्थित रहती है, तो ये गैसेस भी इसके अंदर उपस्थित रहेंगी। अब देखिए हमारे पास में जब हम बात करते हैं कि हम मिथेनोजेंस की सहायता से इसको उत्पादित करते हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे प्रकार के मिथेनोजेंस होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो होता है वो होता है मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है कई जगह पाया जाता है, जिसमें से एक हमारा होता है जो मवेशी होते हैं उनके र्यूमन में भी पाया जाता है, जहां पर यह सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है, और इसीलिए इसकी जो मात्रा होती है जो मवेशी होते हैं उनसे उत्पादित होने वाले गोबर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इसलिए हम गोबर को आसानी से गोबर गैस बनाने के लिए, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं, उसके लिए उपयोग करते हैं, और वहां से हम बायोगैस को बनाते हैं, जिसमें गोबर में उपस्थित जो हमारे ये मिथेनोजेंस होते हैं, ये मतलब मिथेनोबैक्टीरिया है, ये मिथेनोबैक्टीरिया ये गोबर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जैव अणु जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, उनका पाचन करता है और वहां से बायोगैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम बता देंगे सबसे कॉमन, मिथेनोजेनिक बैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम तथा मिथेनोकोकस होते हैं, जो कि
कैटल्स के र्यूमन में भी पाए जाते हैं जहां ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं तथा इसी वजह से इनकी मात्रा गोबर में सर्वाधिक होती है। इसी वजह से इनकी मात्रा गोबर में सर्वाधिक होती है। बेटा मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, दिल में मत लेना उसको, ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास में इनकी मात्रा गोबर में सर्वाधिक है, अब इसी वजह से हम क्या करते हैं, गोबर से जो गोबर गैस है उसको उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम आगे बता देंगे, क्योंकि गोबर में सेल्यूलोज की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए गोबर का उपयोग बायोगैस बनाने में भी किया जाता है और इससे बनने वाली बायोगैस गोबर गैस कहलाती है। अब जो यहां से हमारी बायोगैस बनेगी हम उसको गोबर गैस कहते हैं, ठीक है, इसको हम गोबर गैस नाम दे देते हैं। अब देखिए हमारे पास में जो बायोगैस होती है उसकी कंपोजिशन की हम बात करेंगे कि बायोगैस की एक्चुअल में कंपोजिशन क्या होती है, तो यहां पे हम बताएंगे कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। अब बायोगैस की कंपोजिशन की बात करें तो देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या मिलेगा, मीथेन है, मीथेन कितना मिलेगा इसमें, मीथेन मिलेगा 50-68%, ठीक है। इसके अलावा यहां आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जो CO2 होगी इसकी मात्रा होती है 25-35%, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है इसके अंदर ये होगा आपका 2-7%, 2-7%। इसके बाद आता है हाइड्रोजन H2 जो होता है इसके अंदर यह होता है 1-5%, 1-5%, 1-5%, 1-5%। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, यहां पर आपको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी मतलब O2, जो ऑक्सीजन इसके अंदर देखने को मिलती है ये बहुत कम होती है, जिसमें इसकी मात्रा 0-0.1% तक हो सकती है, 0-0.1%, इसकी मात्रा बस इतनी ही होती है यहाँ पे, 0-0.1% ये देखने को हमें मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर आपको बहुत रेयरली, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिले, बहुत रेयरली इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट
हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे मैंने आपको बताया क्या आता है, रेयर होती है, ये बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है, ये रेयर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो हमारे पास बायोगैस प्रोडक्शन हो पाता है, इसकी जो तकनीक है ये किसके एफर्ट की वजह से आपके पास आ पहुंची। ठीक है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी के अंदर तो अपना योगदान दिया होगा इसके लिए। तो हमारे पास कौन ऐसे लोग थे या कौन सी ऐसी हमारे पास एजेंसीज थी जिनके योगदान की वजह से आज बायोगैस को बनाना संभव हो पाया। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जो बायोगैस की टेक्नोलॉजी थी इसको जो हमारे सामने डेवलप किया था, विकसित किया था भारत के अंदर, एक तो किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने IARI, और दूसरा था खादी एवं विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इनके एफर्ट से ये हमारे पास बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक आपके पास तक पहुंची। तो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी को भारत में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रैकेट में IARI इंस्टीट्यूट तथा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कमीशन के सहयोग तथा प्रयासों से विकसित हो पाई ठीक है। तो भारत के अंदर जो इस तकनीक को विकसित किया था वो किस किस ने किया था, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो एक नाम आ जाएगा IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला नाम। दूसरा नाम आ जाता है इसके अंदर खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दो के प्रयासों तथा सहयोग से ही ये हमारे पास तकनीक विकसित हो पाई थी। अब हम बात करेंगे कि बायोगैस को बनाने के लिए कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। तो हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोगैस के निर्माण में सम्मिलित होने वाले चरण। तो सबसे पहला जो चरण आता है इसका डियर, वो होता है सोल्युबिलाइजेशन। पहला चरण होता है इसका सोल्युबिलाइजेशन। अब सोल्युबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर सोल्युबिलाइजेशन का मतलब होता है कि हम पदार्थ को घोलने वाले हैं यहां पर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे जो पदार्थ होते हैं उनको घोलेंगे। जैसे हमारे पास में जो बायोमास रहेगा उसमें उपस्थित पदार्थ को हम घोलने का काम करेंगे। तो कैसे घोलेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास डंग है, मतलब कैटल का डंग, मतलब गोबर हमारे पास उपस्थित है, तो गोबर के अंदर आपको घास फूस दिखाई देगी, ठीक है, बाकी वो जल के अंदर इतना घुलनशील दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स के द्वारा पहले उसके जो अंदर उपस्थित पदार्थ हैं बड़े बड़े उनको पाचन करके छोटी फॉर्म में लेके आएंगे, जिससे हमारे पास में जो छोटी फॉर्म वाले पदार्थ होंगे ये जल में आसानी से घुल जाएंगे। तो सोल्युबलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें एंजाइम्स की सहायता से ठीक है, बड़े बड़े जैव अणुओं को पचाकर जल में घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित कर दिया जाता है, तो जल में घुलनशील पदार्थों में हम उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब पहला चरण हो गया हमारा सोल्युबलाइजेशन, और दूसरा होता है एसिडोजेनेसिस। अब जो एसिडोजेनेसिस है इसमें होगा क्या, तो देखिए एसिडोजेनेसिस के अंदर जो हमने पदार्थ जल में घोल दिए हैं, बता रहे हैं जलीय घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये जो घुलनशील पदार्थ है अब इनका पाचन किया जाएगा, पाचन करके इससे हम एसिड बनाएंगे, और ये जो एसिड होंगे क्या होंगे, कार्बनिक एसिड होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे, कार्बनिक अम्ल होंगे। तो दूसरा स्टेप होता है इसका एसिडोजेनेसिस, दूसरा स्टेप होगा एसिडोजेनेसिस। अब एसिडोजेनेसिस क्या है बेसिकली, तो यहां पर जो भी आपके पास में पाचन होने के पश्चात जो भी आपके पास मॉलिक्यूल आए हैं उनका हम फर्मेंटेशन करेंगे, और फर्मेंटेशन करके वहां पर हम क्या बनाएंगे, एसिड्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो जो मोनोमर्स सोल्युबलाइजेशन से प्राप्त हुए हैं उनको माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव के द्वारा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कार्बनिक अम्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहां से देखिए क्या बन के आ गया हमारे पास, ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी दौरान जब हम इससे ऑर्गेनिक एसिड बनाएंगे तो यहां पर CO2 तथा हाइड्रोजन एज ए बाय प्रोडक्ट मतलब उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। CO2 तथा H2 एक बाय प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित होती है, इसलिए तो ये हमारे पास प्रेजेंट होती हैं बायोगैस में, उत्पादित होती हैं, ठीक है। तो यहां पे ये उत्पादित हो जाती हैं। अब इसके बाद में डियर जो अगला स्टेप होता है, वो आखिरी स्टेप होता है, वो होता है मिथेनोजेनेसिस। अब उसको हम समझते हैं मिथेनोजेनेसिस क्या होता है, तो आखिरी स्टेप भी देख लेते हैं इसका। आखिरी स्टेप होता है मिथेनोजेनेसिस, ठीक है। चलिए तीसरा स्टेप
मिथेनोजेनेसिस। अब क्या होगा, जो हमारे पास में ऑर्गेनिक एसिड्स बनके आए हैं इनका भी फर्मेंटेशन होगा पुनः, और अब जो फर्मेंटेशन होगा वो करेंगे मिथेनोजेंस, जिसके फलस्वरूप हमारे पास मिथेन का निर्माण होगा और अल्टीमेटली हमारे पास बायोगैस बन जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, मिथेनोजेंस एक्टिव होकर अब ऑर्गेनिक एसिड से फर्मेंटेशन के फलस्वरूप मीथेन का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहां बनेगी मीथेन। अब क्योंकि मीथेन बन जाती है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, यहां पर बायोगैस बन जाती है। अब ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, इसको मैं ना व्हाइट बोर्ड पर, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझा देता हूं, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो चलेंगे अभी हम लोग किसकी तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ, और वहां पर देखेंगे कि क्या इसके स्टेप थे। चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर, अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हमारे पास में कुछ स्टेप होते हैं जिनका द्वारा हम इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि किस प्रकार से हम इसको तैयार करते हैं। तो कौन कौन से स्टेप सम्मिलित हैं, हमने तीन स्टेप बताए थे, पहला था सोल्युबिलाइजेशन, दूसरा था एसिडोजेनेसिस, और तीसरा था हमारे इसके अंदर मिथेनोजेनेसिस। हम तीनों स्टेप को फॉलो करेंगे। अब जैसा कि हमारे पास में जो बायोमास होता है उसमें आपके पास में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, लिपिड्स भी होंगे, उन सब चीजों की सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो देख लेते हैं स्टेप। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमारे पास देखिए प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। इसके अलावा क्या है, इसमें फैट है, इसके अलावा सेल्यूलोज है, और लास्ट इसके अंदर हेमीसेल्यूलोज। तो देखिए तीन चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर, एक गोबर के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों ही, मतलब ये चार चीजें जो हैं, इन चारों चीजों से ही हम बनाएंगे बायोगैस को। तो कॉमन पाथ लेके चलेंगे यहां से, तो चारों से ही हम गोबर गैस को बनाएंगे। सबसे पहले स्टेज वन, तो स्टेज फर्स्ट है वो कौन सी थी, अभी हमने बताया था वहां पर, स्टेज फर्स्ट थी हमारी सोल्युबिलाइजेशन, ठीक है। तो पहली स्टेज थी हमारी सोल्युबिलाइजेशन, जिसके अंदर हम सोल्युबिलाइज करेंगे। अब जो सोल्युबिलाइजेशन होता है ये किसके द्वारा होगा, तो इसको करने के लिए हम उन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं जो बेसिकली डीकम्पोजर होते हैं, मतलब अपघटन करने वाले होते हैं। तो हम क्या बताएंगे, डीकम्पोजर माइक्रोब्स, तो अपघटनकारी सूक्ष्म जीव। और यहां पे क्या बना हमें, यहां बना सोल्युबल कंपाउंड, या तो सोल्युबल कंपाउंड कह सकते हैं आप इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं यहां पर हमारे पास प्राप्त हुए मोनोमर्स, ठीक है। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप होता है हमारे पास स्टेज टू जो है हमारे पास, ये क्या होती है, ये होती है एसिडोजेनेसिस। अब ये जो एसिडोजेनेसिस की प्रक्रिया है, हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। तो हम क्या बताएंगे, फर्मेंटिंग माइक्रोब्स, तो यहां प्रेजेंट रहेंगे फर्मेंटिंग माइक्रोब्स। ये फर्मेंटिंग माइक्रोब्स क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, और फर्मेंटेशन करके हमारे पास जो उत्पाद बन के आएगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स।
यहाँ उत्पाद आया हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बनिक अम्ल। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इसके ऊपर चलेगी स्टेज थ्री। स्टेज थ्री, और स्टेज थ्री के अंदर हमारे पास क्या होगा? मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस। अब जो मिथेनोजेनेसिस है, इसको कौन कर रहा है? इसको कर रहे हैं मिथेनोजेंस। आपको बताया था इसको करेंगे मिथेनोजेंस, ठीक है? जैसे मिथेनोकोकस, आपको बताया ना पीछे अभी एक एग्जांपल, मिथेनोकोकस इस काम को करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास में जो उत्पाद आएगा वो होगी बायोगैस। उत्पाद होगा बेटा हमारे पास बायोगैस। अब जो बायोगैस है, इस बायोगैस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी उसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर मिलेगा हमें CH4, CO2, H2, N2 एटसेट्रा। तो ये चीजें हमारे इसके अंदर प्राप्त होंगी। तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, फटाफट से इसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए क्या क्या चीजें मिली हैं। सारे स्टेप आपके पास लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए स्टेज वन है हमारे पास। स्टेज वन के अंदर हम क्या बता रहे हैं? सोलिबलाइजेशन। तो हमारे पास जो डंग है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन है, फैट है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है। अब इनका सोलिबलाइजेशन होगा, कौन करेगा? डिकम्पोजर माइक्रोब्स। तो इसको ये डिकम्पोज करेंगे, क्या बनेगा? सोल्युबल कंपाउंड। सोल्युबल कंपाउंड वो होते हैं जो अपनी मोनोमेरिक स्टेज में होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं? मोनोमर्स भी कह सकते हैं। अगली है स्टेज टू। स्टेज टू के अंदर क्या होगा? एसिडोजेनेसिस। अब एसिडोजेनेसिस को हमने क्या बताया? फर्मेंटेशन करेंगे सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फर्मेंटिंग माइक्रोब्स, फर्मेंटेशन करने वाले सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा एसिडोजेनेसिस से? ऑर्गेनिक एसिड्स, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या पदार्थ है? सारे ऑर्गेनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या बन के आ गए? ऑर्गेनिक एसिड्स। अब स्टेज थ्री के अंदर यहाँ पे क्या होगा? मिथेनोजेनेसिस। अब मिथेनोजेनेसिस कौन करेगा? मिथेनोजेंस करेंगे। मिथेनोजेंस के अंदर एग्जांपल मैंने दिया था आपको मिथेनोकोकस, और अल्टीमेटली हमारे पास बायोगैस बन के आएगी। उस बायोगैस में क्या प्रेजेंट होगा? CH4, CO2, H2, N2 एटसेट्रा। फटाफट से नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, आगे देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें और प्रेजेंट अब रहेंगी इसके अंदर। अब हमने बना दी है बायोगैस। बायोगैस को बनाने के पश्चात अब हम देखेंगे डियर यहां पर कि जो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं इनको एज ए फर्टिलाइजर कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो अब चलेंगे हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, वहां पर देखेंगे सूक्ष्म जीवों को कैसे हम फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, देखते हैं वहां पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कैसे हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स सूक्ष्म जीवों के मतलब जैव उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स, ठीक है? तो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो कि हमारी सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जो सोइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो जो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। अब जो हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स है ये क्या हो जाएंगे फिर? तो बायो फर्टिलाइजर्स वो हो जाएंगे डियर जो जैविक तरीके से बनने वाले फर्टिलाइजर्स होंगे। ये जैविक रूप से प्राप्त फर्टिलाइजर्स होते हैं।
तो जो जैविक रूप से फर्टिलाइजर प्राप्त हो रहा है वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर अपने टॉपिक की, माइक्रोब्स एस बायो फर्टिलाइजर, कि जो हमारे सूक्ष्म जीव है ये कैसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई सूक्ष्म जीव अगर हमारी सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको कहते हैं, अगर कोई सूक्ष्म जीव हमारी सोयल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है तो हम उसको फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, तो ये वो माइक्रोब्स होते हैं जो सोइल में उपस्थित क्रॉप के लिए उपलब्ध न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को या तो बढ़ा देते हैं या फिर ये क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दो तरीके से काम करते हैं, या तो ये क्या करेंगे, ठीक है, उपलब्ध न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है, या फिर ये क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्राप्त करने की क्षमता है उसमें सहायता करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम इनको नाम देते हैं फर्टिलाइजर। अब हम कुछ बताते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखिए हमारे पास क्या है, सूक्ष्म जीव तीन प्रकार के होंगे तो तीन प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स हो जाएंगे। अब हमारे पास में जो बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप आएंगे तो इसमें तीन आएंगे, ठीक है, तीन प्रकार के आएंगे, ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं तीन प्रकार के, उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला इसमें आ जाता है आपका बैक्टीरिया, दूसरा आ जाता है साइनोबैक्टीरिया और तीसरा आ जाता है और आखिरी ये होता है माइकोराइजल फंजाई। तो देखिए तीन आ गए हमारे पास, आप चाहे तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1, 2 और 3। ये तीन हमारे पास में बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होने वाले माइक्रोब्स आ गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे, यहां पर एग्जांपल्स की बात करेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या हो जाते हैं हमारे पास। चलिए अब एग्जांपल के रूप में देखेंगे, तो सबसे पहला आता है एग्जांपल में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया की जो कि स्वतंत्र है, किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सहजीविता नहीं बना रहे हैं, फिर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये स्वतंत्र रूप से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं,
बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देंगे और हमारे पास में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब इसमें जो हमारे पास नाम आता है, क्या क्या नाम आता है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले होते हैं इसके अंदर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक बेटा वो हो जाते हैं, ठीक है, जो कि सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें नाम आएगा एक तो एजोटोबैक्टर, पहला नाम आता है इसमें एजोटोबैक्टर, ठीक है। दूसरा नाम आता है बेसिलस, बेसिलस पॉलीमिक्सिस, बेसिलस पॉलीमिक्सिस, बेसिलस पॉलीमिक्सिस, ठीक है। अभी और आगे नाम है इनके, तो उम्मीद करता हूं आपने इस स्लाइड पे नोट कर लिया होगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला नाम आता है ये भी अभी आपका चलेगा सैप्रोफिटिक के अंदर, दूसरा नाम आ जाता है सैप्रोफिटिक के अंदर क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम एटसेट्रा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो अभी तो हमने सैप्रोफिटिक देखा था, अब देखेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या क्या नाम आ जाएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमारे पास नाम आ जाते हैं जैसे रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्यूडोमोनास पहला नाम आता है। दूसरा नाम आता है डियर इसके अंदर क्रोमेटियम, क्रोमेटियम, और तीसरा आखिरी नाम आता है इसके अंदर हमारे पास रोडोस्पाइरिलम, रोडो स्पाइरिलम। तो तीन नाम हमने यहां पे भी बता दिए, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं अगर हम इनको भूमि के अंदर बढ़ा दें, इनोकुलेट कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्हें भूमि में डालकर भूमि की फर्टिलिटी मतलब उर्वरकता को बढ़ाते हैं, को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये कुछ एग्जांपल आ गए थे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर फिर आता है हमारे पास फ्री लिविंग, ठीक है। अभी तो हमने बता दिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अब हम देखेंगे फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, अगला नाम देखेंगे इसी प्रकार से फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। तो हमारे पास में ये जो पहला था ये था फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अब हम देखेंगे फ्री लिविंग, इसको आप ऐसे कर सकते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये आता है दूसरा, ये दूसरा है हमारा फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया। अब जो दूसरा वाला है फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर मैं आपको नाम बता देता हूं फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास नाम आ जाता है एनाबीना, एनाबीना आ गया, नोस्टोक आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा इसमें आ गया स्टिगोनीमा, स्टिगोनीमा, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आ गया आपका ओलोसीरा, एटसेट्रा, ठीक है बेटा। ये नाम नोट किए, अब इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा दूसरे वाले केस के अंदर अगली स्लाइड में,
जहां पर हमारे भारत के अंदर जो गन्ने की फसल है वहां पर एक साइनोबैक्टीरिया का बहुत उपयोग किया जाता है, और जो हमारे पास में चावल की फसल है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं हमारे पास में, ये आपने नोट कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ स्पेशल पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट हम बताते हैं, यहाँ पे एक नाम आता है ओलोसीरा फर्टिलिसीमा, ओलोसीरा फर्टिलिसीमा, फर्टिलिसीमा। तो ये जो हमारे पास ओलोसीरा फर्टिलिसीमा है, ये भारत में सबसे ज्यादा चावल के खेतों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह भारत में राइस फील्ड, भारत में राइस फील्ड्स में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। तो एक नाम तो ये आ गया, अब एक नाम और बताता हूं बेटा मैं आपको, ठीक है। दूसरा नाम हमारे पास आता है यहां पर, ठीक है, ये होता है सिलिंड्रोस्पर्मम। तो ये जो सिलिंड्रोस्पर्मम है, इसकी स्पीसीज होती है आपकी सिलिंड्रोस्पर्मम की साइकेनिफॉर्मी। ये जो साइकेनोफॉर्मी स्पीसीज है, ये हमारे सुगर केन फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा होता है। यह इंडिया के, ठीक है, गन्ने के खेतों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। तो बेटा ये तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर कुछ तो ऐसे होंगे जो हमारे पास में लूज एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे होंगे जो लूज एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे खाली मैं आपको नाम लिखवाऊंगा, ज्यादा कुछ है नहीं बाकी के अंदर, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो यहां पे आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर तीसरा आता है हमारे पास लूज एसोसिएशन या लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहां पे क्या है, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एसोसिएशन तो बना रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट जुड़े हुए हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, लूज एसोसिएशन है। तो इसके अंदर हम इनकी बात करें तो ये कहलाते हैं राइजोस्पोरिक एसोसिएशन, ये कहलाता है राइजोस्फेरिक एसोसिएशन कहलाता है। इसके अंदर कौन सम्मिलित होते हैं, इसमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया सम्मिलित हो जाते हैं, जो पीछे बताया ना फ्री लिविंग वाले, वो बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आता है चौथा इसमें हमारे पास, ठीक है, ये होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि राइजोबियम जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, ये तो आप लोगों को पहले पढ़ा रखा गया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग इसको। तो पहला नाम इसमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आता है एग्जाम्पल, इसकी अगर हम बात करें तो जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसम, पहला नाम। दूसरा नाम आता है, अब देखिए मैं R को अगर ऐसे लिख रहा हूं तो ये अपने आप में राइजोबियम बताएगा आपको, ये जो मैंने R लिखा है ऐसा, ये अपने आप से एक राइजोबियम नाम है।
तो राइजोबियम ल्यूपिनी LUPINI स्मॉल में लिखेंगे, इसके बाद राइजोबियम ठीक है ट्राइफोली इसके बाद राइजोबियम मेलिलोटी एंड राइजोबियम फेसियोली ये हमारे पास में कुछ ऐसे राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, उसके बारे में हम देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा ठीक है। अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के बारे में। चलिए अगला है हमारे पास, ये नंबर हो जाता है आपका चौथा, तो वो अगला वाला हो जाएगा पांचवा ठीक है। पांचवा है हमारे पास सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मतलब वो हरे नीले शैवाल जो कि सहजीवी संबंध बनाएंगे। अब इसके अंदर जो नाम आएगा हमारे पास देखिए कौन कौन सा आएगा ठीक है। अब हमारे पास में सबसे कॉमन, जो सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है इसकी हम बात करें तो कॉमन है यहां पे एजोला एनोबिना, एजोला एनाबिना एसोसिएशन। तो एजोला जो है यहां पर क्या है देखिए, एजोला होता है यहां पर आपका एक फर्न है, और जबकि हमारे पास में जो एनाबिना होता है यह होता है हमारा एक साइनोबैक्टीरिया। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था साइनोबैक्टीरिया के अंदर एनाबिना, तो जो एजोला है ये क्या है, यह है फ्री लिविंग फर्न। यह फ्री लिविंग फर्न, और जो एनाबिना है यह होता है साइनोबैक्टीरिया, और दोनों का एसोसिएशन एक साथ कहलाता है, एजोला एनाबिना एसोसिएशन। और ये जो हमारे पास एसोसिएशन है ये कहां मिलता है, यह देखने को मिलता है आपका पैडीफील्ड ठीक है, पैडीफील्ड्स। अब पैडीफील्ड्स किसके होते हैं, राइस के, पैडीफील्ड्स ऑफ राइस, ये वहां पर प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छा मैन्योर की तरह से काम करता है। जो एजोला एनाबिना है आपको पता है इसको एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीन मैन्योर, इसको हम ग्रीन मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए ठीक है। तो यहां पे जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला था ये होता है समाप्त। अब इसके बाद में हम देखेंगे फॉस्फेट बैक्टीरिया, जो फॉस्फेट की मात्रा को हमारे सोइल के अंदर बढ़ाता है ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे यहां पर अगला नाम फॉस्फेट बैक्टीरिया ठीक है, पांच हो गए, छठा फॉस्फेट बैक्टीरिया। अब जो फॉस्फेट बैक्टीरिया है, इस फॉस्फेट बैक्टीरिया के अंदर जो नाम आता है डियर हमारे पास में, एक आता है थायोबेसिलस, ठीक है, दूसरा आता है माइकोबैक्टीरियम, दूसरा नाम आता है डियर माइकोबैक्टीरियम है ना। फिर इसके बाद जो अगला नाम आता है हमारे यहां पर ये आता है माइक्रोकोकस, ये नाम लिखते चले जाइए आप ठीक है, और रटते चले जाइए। इसके बाद आता है बेसिलस, फॉस्फेटिडियम, फॉस्फेटिकम ठीक है। इसके बाद आता है स्यूडोमोनास,
एटसेट्रा। तो पता है ये क्या करते हैं, ये कहीं से फॉस्फेट को लेके नहीं आते, ये सिर्फ इतना करते हैं जो घुलनशील फॉस्फेट होती है उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं और बस हमारे सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये सोइल में डिजोल्व फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा देते हैं, की मात्रा को बढ़ा देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। और इस तरह से ये अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी पता चल गया भाई फॉस्फेट के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास आता है यहां पर माइकोराइजा। हम माइकोराइजा के ऊपर बात कर लेंगे और चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहां पर माइकोराइजा, ठीक है। आता है माइकोराइजा, तो बेसिकली जो माइकोराइजा है इसकी हम बात करें, ठीक है, ये माइकोराइजा किसको नाम दिया जाता है। देखिए माइकोराइजा जो टर्म आया है यहां पे, इसकी अगर हम संधि विच्छेद करें तो माइकोराइजा के अंदर में से एक नाम मिलेगा आपको राइजा, ठीक है, और दूसरा नाम मिलेगा माइको, ठीक है। दो नाम मिलेंगे, माइको एंड राइजा। माइको का मतलब होता है फंजाए, ठीक है, और राइजा का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो माइकोराइजा क्या है, ये होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन। तो माइकोराइजा को हम कैसे बताएंगे, तो यहां पे जड़ तथा फंजाई का एक सहजीवी संबंध है। तो हम क्या बताएंगे, माइकोराइजा कैसा एसोसिएशन है, यह है पादप की जड़ के जड़ तथा कवक के मध्य एक सहजीवी, सहजीवी क्या होता है डियर, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक संबंध है, संबंध होता है, संबंध होता है। अब देखिए हमारे पास में जो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन से हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन से दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि जो हमारे पास में प्लांट है उसको जड़ का एरिया बढ़ जाता है, ये जड़ के सरफेस एरिया को बढ़ा देगा जिससे आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा, और दूसरा जो हानिकारक कीट वगैरह होते हैं ये उनको दूर करके रखता है, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं कि इस एसोसिएशन में, एसोसिएशन में कवक, कवक जड़ का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जड़ का सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जाता है, तथा पादप, पादप इसे, इसे मतलब किसको, फंगस को, ठीक है, इसे रहने के लिए स्थान, रहने के लिए स्थान तथा भोजन, तथा भोजन प्रदान करता है। तो देखिए दोनों को फायदा पहुंच रहा है, दोनों को फायदा पहुंच रहा है, करता है, ठीक है। अब हमारे पास में जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है दो प्रकार का होता है। देखिए जो माइकोराइजल एसोसिएशन है अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, तो माइकोराइजल एसोसिएशन दो प्रकार का होगा, एक एक होता है बाह्य और एक होता है अंदरूनी, ठीक है। एक होता है बाह्य एक्टो मतलब बाह्य, ठीक है, और दूसरा होता है एंडो मतलब एक बाह्य हो गया, एक हो गया अंतः। तो दो तरह का हमारे यहां पे एसोसिएशन देखने को मिलेगा, बाह्य तथा अंतः। बाह्य वाले को हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा, इसको क्या नाम देंगे, एक्टो
माइकोराइजा, ठीक है। और जो एंडो है अंदर वाला है, इसको हम नाम देते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपका देखिए जो चैप्टर है वो होता है समाप्त, ठीक है। और नोट कर लीजिए फटाफट, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। ठीक, चलिए। तो बेटा यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये होता है समाप्त, ठीक है। अब इसके समाप्त होने के पश्चात हम क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे हम लोग, जो हमारा अगला होगा वो नया चैप्टर होगा। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, उसमें से एक चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी होगा, जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम कल मिलेंगे इसके अंदर और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो पहला चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और दूसरा है एप्लीकेशंस। तो पहला जो चैप्टर है ना आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, कल से हम उसको देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी को पढ़िएगा, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा है, मैं फिर से कहता हूं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने क्वेश्चंस को यहां सेंटर में आप भेज दीजिए, कॉल के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप भेज सकते हैं, और उसके बाद में उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।